सदगुरु श्री पूरण साहिब जी के वैराग्य शतक में एक पंक्ति आई है, अंत दशालिय आदि में सोई सांच बैराग, सो सुखिया त्यों लोक में जाको निश्चय त्याग। उसी संदर्भ में और भी पहले इसकी चर्चा हुई थी, अंत को ध्यान में रखकर काम शुरू करो। अंत दशा लिए आदि में, इसका अर्थ यह है कि अंत में जो स्थिति होने वाली है उसको ध्यान में रख करके अब शुरू करो। कल्पना करें कि एक समय तो आने वाला है जब हमारी मृत्यु होगी और लोग शमशान घाट की ओर ले चलेंगे। मेरे कहने से इतनी बातें आप न विजुलाइज कर सकें तो कभी अकेले में बैठ करके, अभी तो मेरे पास वक्त नहीं कि वैसा कराऊं, कभी आप अकेले में बैठ करके आप कल्पना करिए, इमेजिन करिएगा, क्या मैं मर गया हूँ और मेरे लिए, मेरे शरीर को ले जाने के लिए व्यवस्था हो रही है। और जब दफनाने का काम हो गया तो सामान्य रूप से होता क्या है, एक सभा होती है और उस सभा में कुछ लोग बोलते हैं। ख्याल क्या करना है, वो अंत्येष्टि मेरी है और मेरे विषय में दूर दूर से कुछ लोग आए हुए हैं और उस सभा में बोलने वाले हैं। कौन वक्तागण है बोलने वाले, एक मेरे जहाँ मैं जन्मा मेरे परिवार के सदस्य, वो माता पिता के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, चचेरे भाई बहन के रूप में हो, चाचा चाची के रूप में हो, दादा दादी के रूप में हो, कोई हो, कोई एक है जो उस परिवार की प्रतिनिधित्व करेगा और मेरे विषय में बोलेगा। दूसरा वक्ता कौन होगा, मेरे मित्रगण जो मुझे बताएंगे, मेरे विषय में बताएंगे कि व्यक्ति के रूप में यह कैसा था, व्यक्ति के रूप में यह कैसा था। फिर सहकर्मी अर्थात जिन लोगों के बीच हम रह करके अपना अभी कार्य व्यवहार करते हैं, जिनके सहयोग से हम कार्य व्यवहार करते हैं, उनमें से कोई एक वक्ता, और एक कहना चाहिए, चाहे वो गुरु कह लो, संत कह लो, या जिनके प्रति बड़ी आपकी श्रद्धा है, वो सब अलग अलग बताएंगे, ये साधक के रूप में कैसे था, ये साथी के रूप में कैसे था। और या भक्त लोग, देखिए हम लोग तो साधु इसलिए ऐसा सोच सकते हैं कि जिन भक्तों के हम भ्रमण करते हैं उनमें से कोई आया कहा कि भाई ये संत आते थे, ये ऐसे थे वैसे थे, जो भी होगा हमारे विषय में वो बताने वाले हैं, उपदेष्टा के रूप में, चाहे वो गुरु भाई के रूप में, शिष्य के रूप में, गुरु किसी न किसी रूप में हमारा जो चरित्र है उसको वह वर्णन करने वाले हैं। मतलब अब कल्पना ये करें कि उनके मुंह से अपने विषय में हम क्या सुनना चाहते हैं, वे लोग मेरे विषय में क्या बोले, मतलब आप अपने चरित्र को किस रूप में देखा जाना पसंद करेंगे। अंत दशा, अंत में ये स्थिति आएगी, मतलब उस समय आप पूरे जीवन के जो चरित्र है वह किस रूप में लोग वर्णन करें।
आप क्या चाहेंगे कि वे आपके किन योगदानों या उपलब्धियों के बारे में बखान करें, किसकी याद करें? ध्यान से अपने आसपास के लोगों को आप देखें, मतलब आप उनके जीवन में कौन सा ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं, या मतलब आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके विषय में लोगों को वे वक्तागण बताने वाले हैं। अब यदि हम इन वक्ताओं से अपने विषय में जो भी, चाहे हम महिमा सुन रहे हों, हमारा गुणगान सुन रहे हों, जो सुनना चाहते हैं, मतलब वो हमारे विषय में ऐसा बोलें, तो क्या करना है? ये जो हम सुनना चाह रहे हैं ना, एक प्रकार से हमारे लिए एक आधारभूत सिद्धांत मान लो उसको। हमें में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारे विषय में कोई कहे ये बहुत गलत इंसान था, ये बड़ा झगड़ालू था, ये बड़ा क्रोधी था, ये बड़ा लोभी था। हमें से कोई नहीं चाहेगा। क्या चाहेंगे? बहुत शांत साधक था, बहुत विनम्र, बहुत सेवापरायण, बहुत शालीन, स्वाध्याय प्रेमी, साधना प्रेमी, ये तो सुनना चाहेंगे आप जो भी चाहें। देखिए, मैं कुछ बातों को ही कह सकता हूं। हम सभी जो भी सुनना चाहें, क्या करना है उसको? वो हम जो चाहते हैं उसे अपने जीवन का आधारभूत सिद्धांत बना ले, अपना जीवन मूल्य बना ले। इससे क्या होगा? हमारी व्यक्तिगत समझ काफी हद तक बढ़ जाएगी, हमारी व्यक्तिगत समझ काफी हद तक बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप आज अपने जीवन के अंत के छवि, अंत का जो तस्वीर है, उसे ध्यान में रखकर शुरू करें। मैं इसको दूसरे शब्दों में भी कई बार कहता हूं कि आप भविष्य में जाकर के लौटना, दूसरे शब्द में कहूं तो भविष्य में जाकर के लौटना, मतलब आप भविष्य की एक प्रकार से एक पूरी कल्पना कर लें, विजुलाइज कर लें, एक मानसिक चित्रण बना लें कि ऐसा हो, मेरा समापन ऐसा हो, या 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जैसा भी हो, ऐसा मेरा जीवन, ऐसी जीवन शैली हो, ऐसा व्यवहार हो, ऐसा मेरा मन हो। ये सारी परिस्थितियों को थोड़ा सा आप देखें। अब उसे वैसी स्थिति में पहुंचने के लिए क्या करना है, अब शुरू करें। क्या होगा इससे? क्योंकि आप अपने जीवन के अंत को संदर्भ का या एक प्रकार से एक पैमाना मान ले, एक मान मापदंड, फ्रेम ऑफ रिफरेंस जिसे कहते हैं, वो बना ले। तो बना जब लेते हैं, क्या होता है, इसके द्वारा बाकी हर चीज की जांच होगी। जैसे पैमाना से नापा नहीं जाता है, ऐसे ही उससे हम जांच करेंगे, क्या जो मैंने अपने लिए निर्धारित किया है, क्या मैं उसी का गार्डिंग जी रहा हूं, क्या उसके अनुरूप जी रहा हूं? आपके लिए जो सचमुच महत्वपूर्ण है, उसकी पृष्ठभूमि में आप यह जांच करते हैं कि क्या जांच करते हैं, इसमें क्या होगा, आज का व्यवहार, कल का व्यवहार, अगले सप्ताह का व्यवहार, अगले महीने का व्यवहार, ये सब शामिल होगा। मतलब आज मैं क्या करूं, वहां मुझे जाना है ना, वहां वैसा बनना है, अगले सप्ताह, मतलब क्या ध्यान रखना है, उस अंत को स्पष्ट रूप से ध्यान रखने का मतलब यह हुआ कि आप सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी दिन आपके द्वारा गया कोई भी कार्य उस मापदंड की अवहेलना न करे। क्या कह रहा हूं? जो हमने अपने लिए एक पैमाना बनाया है, जो हमने अपने को उस चरित्र में देखा है, फिर से ख्याल करिए, ऐसा लोगों द्वारा जो हम सुनना चाहते हैं वैसा, अब वैसा हम जो कर रहे हैं ना, ये क्या ध्यान रखना होगा, उसकी अवहेलना ना हो, उसके विरोध में ना हो, उसके विपरीत ना हो। जिससे क्या होगा, जिसे हमने बहुत महत्वपूर्ण माना है, ऐसा तो नहीं है कि हम उसी की अवहेलना करते जा रहे हैं। तो जो अपने
आपने जो सबसे महत्वपूर्ण रूप परिभाषित किया है उसके अनुरूप चलना है, जीवन को उसी अनुरूप ढालना है, और साथ साथ क्या होगा यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे जीवन का प्रत्येक दिन उस सपने को साकार करने में सार्थक योगदान दे रहा हो। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो मैं रोज रोज जी रहा हूं, क्या जिसको मैंने जैसा महत्वपूर्ण माना है उसके प्रति योगदान हो रहा है? क्या मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं? ऐसा तो नहीं है कि मैं जीवन में चाहता कुछ हूं और करता कुछ हूं, मतलब उसके प्रति कोई योगदान नहीं, मतलब उधर मेरी गतिविधियों की रुझान नहीं है, मतलब ऐसा बनने के लिए कुछ मेरे मुख्य क्रियाकलाप में कोई प्रदर्शित नहीं हो रहा है। क्या करना होगा? ये हम सुनिश्चित कर लेंगे कि वो योगदान हो। क्यों? जिससे आपने अपने पूरे जीवन के लिए देखा है ऐसा हो, ऐसा हम होना चाहते। कितनी बार मैंने एक दिन और कहा था कि अपने जीवन को दो हिस्से में बांट ले, एक मन चाहा स्वरूप और दूसरा वर्तमान स्वरूप। वो मन चाहा स्वरूप है जिसे हम कहते ना आदर्श है, ये भी कहा था मैंने, एक होता है आदर्श, दूसरा होता है यथार्थ। वो आदर्श है, ऐसा हो, एक रोल मॉडल, मतलब ऐसा ऐसा जीवन, एक फ्रेम जैसे बना लिए। अब क्या करना है? रोज रोज प्रतिदिन हमें जांच करनी है, क्या मैं वही पहुंच रहा हूं जहां पहुंचाना चाहता हूं, वही कर रहा हूं जो करना चाहता हूं। ये यदि हम ध्यान नहीं देंगे ना तो हम ये जान नहीं पाएंगे कि हमारा जीवन कब अंत के पास पहुंच गया और कब बर्बादी के कगार में पहुंच गया, ये पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब है अपनी मंजिल को अच्छी तरह से समझकर यात्रा शुरू करना। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब है अपनी मंजिल को अच्छी तरह से समझकर यात्रा शुरू करना। इसका अर्थ यह समझना है कि आप कहां जा रहे हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से यह जान सके कि आप वर्तमान में कहां हैं। हमें तो अभी पता ही नहीं कि हमारी वर्तमान की स्थिति कैसी है। हम में से कितने लोग ध्यान देते हैं इस चीज को, मेरे मन की वर्तमान स्थिति यह है, भविष्य के बारे में सोचना जो आप दूरदृष्टि, जो विजन है वो क्लियर नहीं हो पाता है। पहले भी कहा था हेलन केलर अंधी बहरी गूंगी, एक बार किसी ने उनसे कहा कि इस अंधेपन से भी कोई बुरी चीज है, इससे भी कोई बदतर स्थिति है? हेलन केलर ने कहा हां है, आंख का होना यदि भविष्य दृष्टि न हो तो, मतलब आंख का के न होने से भी खराब है आंख का होना यदि हम अपने जीवन में भविष्य को नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तभी तो ख्याल करें, तभी तो हमारे जीवन में अव्यवस्था है, तभी तो हमारे जीवन में असंयम है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है मेरा जीवन, मैं नहीं देख पा रहा हूं उसको। मतलब मैंने क्या कहा, अपनी मंजिल को अच्छी तरह से समझकर यात्रा शुरू करना। इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह भी समझना है कि आप कहां जा रहे हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से जान सके वर्तमान में कहां हैं, ताकि आपके भविष्य के कदम हमेशा सही दिशा में हो। हम कैसे जानेंगे? कितनी बार मैंने पूछा है, लोगों से भी पूछा, हम सही दिशा में जा रहे हैं या सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, कैसे जानेंगे? कोई है तरीका जानने का? कोई भी कह सकता है मैं तो सही दिशा में जा रहा हूं, मैं कहता हूं नहीं जा रहे हैं सही दिशा में, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप कहते हैं सही दिशा में जा रहा हूं तो प्रमाणित करिए।
एक ही शर्त पर प्रमाणित कर सकते हैं। कब? जब आपका लक्ष्य सही हो, आप लक्ष्य निर्धारित हो, तब आप कहेंगे देखिए ये मेरा लक्ष्य है और उसकी तरफ मैं जा रहा हूं, तब आप दिशा सही कह सकते हैं। नहीं तो दिशा का निर्धारण हो ही नहीं सकता है, दिशा का निर्धारण हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम जब ये जानते हैं कि भाई वहां जाना है, यहां हूं, जाना वहां है और मैं यहां हूं, अब उधर मैं, जाना यहां हो और चेहरा उधर हो, गति उधर हो, तब क्या होगा? नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे क्या करना है? भविष्य के प्रत्येक कदम सही दिशा में हो, इसका मैं ध्यान रखूंगा। मतलब होता क्या है मैं बताऊं, जो हम गतिविधियों के जाल में ऐसे उलझते चले जाते हैं, व्यस्तताओं में बहुत आसान है फंसना। मैं बहुत व्यस्त हूं और अपने आप को इतना व्यस्त दिखाने लग जाएं, बहुत आसानी है, बहुत आसान हो सकता है। लेकिन आप सफलता के लिए मेहनत तो कर रहे हो, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए रोज रोज मेहनत कर रहे हो और अपने आप को बहुत व्यस्त बना रखे हो। लेकिन जब सफलता की सीढ़ी पर जब चढ़ गए ना, तब आपको क्या लगा? उफ, सीढ़ी तो गलत दीवार से टिकी है, सीढ़ी तो गलत दीवार से टिकी हुई है। वहां पहुंच करके क्या होगा, क्या होगा? इसलिए जो आप मेहनत कर रहे हैं और अंतिम पता चले कि गलत दीवार पर टिकी हुई है, यह संभव है कि आप व्यस्त हो, हम व्यस्त हो, बहुत व्यस्त हो, लेकिन वह व्यस्तता किस काम की जो हमारे जीवन को सही आकार न दे सके? वो कौन सी व्यस्तता है? जैसा हम जीवन चाहते हैं वैसा आकार हम न दे सके, क्या उस व्यस्तता का मतलब है? एक जगह लिखा कि आप व्यस्त व्यस्त कहते हैं, व्यस्त तो चींटी भी रहती है। आप कहां व्यस्त हैं, किसके लिए व्यस्त हैं, देखो तो सही। व्यस्तता कहने से क्या मतलब है? मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं है। उफ, किसके लिए समय नहीं है? अपने लिए, अपने जीवन को निर्माण करने। लोग अक्सर यह पाते हैं कि उन्होंने जो सफलताएं हासिल की हैं, अंत में लगता है खोखली है। उन्हें अचानक यह एहसास होता है कि सफलताएं उन्हें ऐसी चीजों की कीमत पर मिली है, जिन्हें हम सफलता मान रहे हैं ना, वो ऐसी चीजों की कीमत पर मिली है जो उनके लिए अधिक मूल्यवान था, जो सचमुच बेहद मूल्यवान था। जिस साहब कहते ना, कई बार कहते थे, हीरा को फेंक करके हमने कंकड़ बटोर लिया है। क्या किया है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते विशेष सठ ले ही। जहर ले लिया और अमृत को दे दिया, और करते डारी परशमणि ले, मतलब नहीं दे ही, ऐसा कुछ आया है वो, मतलब हमने कंकड़ को बटोरा, क्या हीरा को फेंक करके। ये बुद्धिमानी है। और हम क्या मारे? हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत सफल हैं, बहुत व्यस्त हैं। सचमुच क्या है? और ये विभिन्न व्यवसाय के लोग, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, तमाम बिजनेसमैन, खिलाड़ी, तमाम, और बहुत कहने में शर्म आती है, साधु और संत भी। साधु और संत भी अक्सर क्या होता है? अधिक आमदनी, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक व्यवसाय की दक्षता, ये सब हासिल करने में संघर्ष करते रहते हैं। और अंत में उन लोगों को पता चलता है कि लक्ष्य हासिल करने की प्रबल इच्छा ने उन्हें उन चीजों के प्रति अंधा कर दिया था जो दरअसल उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और अब वे चीजें चली गई हैं। तब वक्त नहीं रहेगा, फिर तब समय नहीं रहेगा, अंत में लगेगा उफ, यह मैं कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया ये काम, और उसको पाया जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसको सब कुछ को छोड़कर जाना है, कोई मतलब नहीं है, और उसको मैंने खो दिया जो सचमुच मेरी मूल धन, मेरी मूल संपत्ति थी। तो क्या होगा? जब हम वास्तव में यह जान लेते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीजें सचमुच महत्वपूर्ण है,
जब हम उस तस्वीर को ध्यान में रखकर हर दिन अपना प्रबंधन करते हैं, हर दिन अपनी जीवन की एक व्यवस्था देते हैं, तो वह काम करते हैं जो सचमुच हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर सीढ़ी सही दीवार से न टिकी हो, जानते हैं, अगर सीढ़ी सही दीवार से न टिकी हो तो हमारा हर कदम हमें तेजी से गलत जगह की ओर ले जाता है। मैंने कहा था जहाज, पानी का जहाज एक इंच भी जब भटक जाता है ना, तो बंदरगाह में या तट पर पहुंचते पहुंचते कई किलोमीटर का फासला हो जाता है, कई किलोमीटर का फासला हो जाता है। सोचिए एक इंच इंच। ऐसे ही जब हमने गलत उद्देश्य ही निर्धारित कर लिया है, या फिर उद्देश्य ही निर्धारित नहीं किया, तब तो और दुर्दशा है, तब तो कहना ही अलग है। और हमने क्या मिल लिया, ये मेरी सफलता है, ऐसा करना वैसा करना, नहीं नहीं, ये क्या होगा, ये है हम और गलत दिशा की ओर तेजी से ले जाता है। हो सकता है हम बहुत व्यस्त हों और बहुत कार्य कुशल भी हों, बहुत व्यस्त भी हों और बहुत कार्य कुशल भी हों, परंतु हम सच्चे अर्थों में तभी सफल होंगे जब हम अंत को ध्यान में रखकर शुरू करेंगे। और जब यदि हमने सावधानी से उसको विजुलाइज कर लिया ना, सावधानी से, तो वो चीज को जब देखेंगे तब जीवन की असली परिभाषा पता चलेगी। जीवन की जो क्या अंत्येष्टि में यदि हमने अनुभव कर लिया, तो और उनसे हम क्या सुनना चाहते हैं, इसको हमने यदि सही ढंग से समझ लिया, तो जो सफलता की जो असली परिभाषा है ना, वो हमारे सामने आ जाएगी। और हम क्या चाहेंगे, मैं ऐसा ही जीवन जीना चाहूंगा और मैं जीवन को बर्बाद होने से बचाऊंगा। ये हम हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर वर्ष, हर पल ध्यान रखेंगे और जीवन को संवारने में हम लग जाएंगे।